Jihi Sharanam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Jai Radha Ramana Haribo. Jai Jai Radha Ramana Haribo. Divyatman, आज हम मधुर रस के बारे में थोड़ा व्याख्यान करेंगे. मधुर रति ही क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव के रूप में परिणत होती है. उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे ईख का नन्ना सा अंकुर क्रमशः ईख, रस, गुड़, खांड, चीनी, मिश्री और ओले का रूप धारण करता है, वैसे ही यह रति भी भाव के रूप में परिणत होकर पूर्णता को प्राप्त होती है. रति से भाव पर्यंत सभी प्रेम शब्द के द्वारा कहे जाते हैं. प्रेमी और प्रियतम के उस भाव संबंध को जो नाश का कारण उपस्थित होने पर भी नष्ट नहीं होता, इसको प्रेम कहते हैं. इसके प्रौढ़, मध्य और मंद तीन भेद होते हैं. वियोग की असहिष्णुता, दुखपूर्वक सहिष्णुता और यदा कदा किंचित विस्मृति, क्रमशः यही तीनों का स्वरूप है. यही प्रेम जब और भी उद्दीप्त होकर हृदय को अतिशय द्रवित कर देता है, जिसे दर्शन स्पर्श में कभी भी त्रुटि नहीं होती, तब उसे स्नेह कहते हैं. इसके तीन भेद होते हैं, अंग संग में अतृप्ति, दर्शन में अतृप्ति और नाम गुण के श्रवण आदि में अतृप्ति. ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है. स्नेह दो प्रकार का होता है, घृत स्नेह और मधु स्नेह. पहले में कुछ आदर भाव रहता है और दूसरे में केवल अतिशय ममता. घृत स्नेह में थोड़ा उन्माद और अपनापन भी रहता है. घृत स्नेह में मैं उनका हूँ यह भाव रहता है और मधु स्नेह में वे मेरे हैं यह भाव रहता है. स्नेह ही उत्कर्ष को प्राप्त होकर नवीन माधुर्य के साथ मान के रूप में प्रकट होता है. इसके दो प्रकार भेद हैं, उदात्त और ललित. उदात्त मान में घृत स्नेह की विशेषता रहती है, अनुकूलता अधिक और प्रतिकूलता कम. ललित मान में मधु स्नेह की प्रधानता रहती है, प्रतिकूलता अधिक और अनुकूलता कम. यही मान जब संभ्रम रहित होकर अत्यंत विश्वास के साथ परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, तब प्रणय नाम धारण करता है. प्रणय दो प्रकार का होता है, मैत्र और सख्य. विनय युक्त विश्वास मैत्र है और प्रियतम को अपने बस में रखने वाला उन्मुक्त विश्वास सख्य है. यह प्रणय ही आगे चलकर राग के रूप में अनुभव का विषय होता है, जिसमें अधिक से अधिक दुख भी सुख के रूप में ही अनुभव होने लगता है. प्रणय की उस उत्कृष्ट अवस्था को ही राग कहते हैं. यही गुप्त रहने पर नीली राग और प्रकट होने पर श्यामा राग के नाम से कहा जाता है. और भी इसके अनेकों भेद हैं. यह राग प्रतिक्षण वर्धमान और नवनवायमान होकर अनुराग के रूप में प्रकट होती है. यह प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय समागम को और प्रियतम को भी नित्य नूतन बनाता रहता है. इस अवस्था में ऐसा मालूम होता है
अभी मिलन हुआ है, अभी मैंने पहले पहले देखा है। इसमें प्रेमी और प्रियतम एक दूसरे के अधीन रहते हैं। प्रियतम के सम्मुख रहने पर भी वियोग की आशंका से मृत्यु के समान दुख का अनुभव होने लगता है, और इस अवस्था को देखकर स्वयं प्रियतम श्री कृष्ण भी चकित स्तंभित रह जाते हैं। इसी का नाम प्रेम वैचित्र है। अनुराग को इस स्थिति में संजोग होने पर भी अतृप्ति की सीमा नहीं रहती, ऐसी लालसा होती है। यदि मैं बांस बन जाती तो बांसुरी के रूप में नित्य निरंतर प्रियतम के अधरों की सुधा मधुरिमा का आस्वादन करती रहती। यदि कहीं इस अवस्था में प्रियतम का बिछोह हुआ तो जहां दृष्टि जाती है वहीं उनके दर्शन होते हैं। इसी अवस्था के संबंध में कहा गया है कि संजोग के वियोग ही उत्तम है, क्योंकि संजोग में अपने प्राणनाथ के अकेले रहते हैं और वियोग में सारा संसार ही उनका रूप हो जाता है। यद्यपि प्रेम की सभी अवस्थाएं संसेव्य स्वसंवेद्य और अनुवचनीय हैं, तथापि अब तक जिनका वर्णन हुआ है वे रसिकों के द्वारा अनुमेय तथा ज्ञेय हैं। भगवान की द्वारका स्थित नित्य सहचरियों में भी इनका प्रकाश होता है, और ब्रज देवियों तो ये सहज स्वभाव सिद्ध रूप से ही रहती हैं। यह अनुराग ही जब परसंवेद्यता से ऊपर उठकर स्वसंवेद्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब प्रेमी अनुरागी के रूप में न रहकर अनुराग स्वरूप हो जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति का सुख, प्रेम की अनुभूति का सुख और सुख की ऐसी अनुभूति होती है जिसे अनुभूति कहना भी नहीं बनता, तब उस अनुराग की ही भाव संज्ञा होते हैं। द्वारका की श्री कृष्ण पत्नियों के लिए भी यह अत्यंत दुर्लभ है। ब्रज की देवियों में इसका नाम महाभाव है, दूसरे किसी को भी इसकी उपलब्धि नहीं होती। यह अमृत स्वरूप श्रेष्ठ रस है, इसे आनंद की सीमा कहते हैं। इसमें दिव्य प्रेमी दिव्यता स्वरूप ही होता है। इसके दो भेद हैं, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। जिस महाभाव में सात्विक भाव उद्दीप्त रहते हैं उसे दृढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें प्रियतम के दर्शन सुख में बाधक होने के कारण पलकों का गिरना भी असह्य हो जाता है। जत प्रेक्षणी दृष्टिसु पद्मकृतं सपन्ति, इस स्थिति के प्रेमी को ब्रज देवियों को देखने वाले प्रेम समुद्र में डूबने उतारने लगते हैं। स्वयं लक्ष्मी भी चकित स्तंभित हो जाती हैं। इस परम रस में कल्पांत पर्यंत मग्न रहने पर भी एक क्षण जितना भी मालूम नहीं होता। प्रियतम को सुख मिलने पर भी कहीं उन्हें कष्ट न पहुंच जाए, इस आशंका से खेद होने लगते हैं। गोपियां अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण के चरण कमल रखते समय डरने लगती हैं कि कहीं इसकी कर्कशता उनके दुख का कारण न हो जाए। धीताः सनेहि प्रियदधि महि कर्कशेषु, प्रेम की इस सर्वोत्कृष्ट भूमिका में यहाँ मोह आदि प्राकृत भावों का प्रवेश कदापि संभव नहीं है। अपने को पराये को सबको भूल जाना और श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी कल्प से अधिक मालूम होना इस रूढ़ महाभाव की असाधारण विशेषता है। त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम, रूढ़ महाभावों में जो अनुभव होता है उनकी अपेक्षा और भी विशिष्ट, जिनका निर्वाचन नहीं किया जा सकता, अधिरूढ़ महाभाव में प्रकट होते हैं। यदि समस्त मोक्ष सुख अथवा
ब्रह्म सुख को और त्रैकालिक संसार सुख को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाए और संसार के समस्त त्रैकालिक दुखों को दूसरे स्थान पर एकत्रित कर दिया जाए, तो ये दोनों ही इस अधिरूढ़ महाभाव के सुख दुख रूपी महासागर की एक बूंद के समान भी नहीं हो सकते। यह स्मरण रखना चाहिए कि यहाँ का दुख जागतिक दुख जैसे कोई वस्तु नहीं है, यह भी दिव्य रस का ही एक रूप है। इस दुख के लेस मात्र की समता में संसार के समस्त सुख तुच्छ हैं। इसी से यह दुख भी परम पुरुषार्थ प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप है। अधिरूढ़ महाभाव के दो प्रकार हैं, मोदन और मादन, जिसमें सात्विक भाव प्रेमी और प्रियतम दोनों में ही सुदीप्त रूप से प्रकट रहते हैं, दोनों ही स्तंभित कंपित रहते हैं, उसको मोदन कहते हैं। दोनों को इस अवस्था में देखकर प्रेमी भी विक्षुब्ध हो जाते हैं। दोनों के प्रेम की संपत्ति समस्त चराचर की प्रेम संपत्ति से बढ़ जाती है। यह मोदन ही विरह की अवस्था में मोदन कहा जाता है। इसमें भी विरह की विवशता से प्रिया प्रियतम दोनों में ही सात्विक भाव सुदीप्त रहते हैं। इसके अनुभव भी औरों को अपेक्षा अत्यंत विलक्षण हैं। इस मोदन दशा में द्वारका स्थित अन्य पत्नियों के द्वारा आलिंगित होने पर भी राधा का स्मरण करके श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं वृंदावन में यमुना तटवर्ती निकुंज में श्री जी के साथ रास विलास कर रहा हूँ। असह्य दुख स्वीकार करके भी जिस प्रकार अपने प्रियतम सुखों ही हो, वही चेष्टा इसमें ही किया जाता है। इस संबंध में गोपियों का कितना सुंदर भाव है, यह उन्हीं के शब्दों से सुनने योग्य है। यदि श्री कृष्ण वृंदावन आ जाए तो हमें बड़ा सुख होगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु यदि यहाँ आने से उनकी तनिक भी क्षति हो तो वे यहाँ कभी न आवें। यद्यपि उनके यहाँ न आने से हमें महान दुख होगा, तथापि यदि वहाँ रहने में ही सुख होता है तो वे सुखपूर्वक वही निवास करें। कहना न होगा कि गोपियों का यह भाव प्रेम की अत्यंत ऊंची स्थिति का उद्गार है। इस स्थिति के प्रेमी का जीवन, उसका श्वास प्रश्वास निखिल ब्रह्मांड में प्रेम का संचार कर देता है। इस अवस्था का प्रेमी जब तार स्वर से रुदन करने लगता है, तब पशु पक्षी भी, यहाँ तक कि लता वृक्ष भी उसके साथ रोने लगते हैं। प्रेमी अपनी मृत्यु की आशंका से इस जन्म में प्रियतम का मिलना असंभव देखकर यह अभिलाषा करने लगता है कि मेरे शरीर के पंचभूत मृत्यु के पश्चात भी प्रियतम को सन्निधि में रहकर उनकी सेवा में लगें। शरीर की मृत्यु हो जाए, पांचों भूत अपने अपने मूल कारण में विलीन हो जाए, इसमें मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है, परंतु उनके संबंध में परमात्मा को प्रणाम करके मैं एक वरदान की प्रार्थना करता हूँ। जिस बावली का वे जल पीते हैं, उसमें मेरे शरीर का जलांश, जिस दर्पण में वे अपना मुख देखते हैं, उसमें मेरे शरीर का ज्योति, उनके आंगन के आकाश में मेरे शरीर का आकाश, उनके मार्ग में मेरे शरीर की मिट्टी और उसके पंखे में मेरे शरीर की हवा मिल जाए, प्रेम की कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। यही मोदन दशा आगे चलकर दिव्योन्माद का रूप धारण करती है। इसमें प्रेमी प्रियतम के लिए उनके न होने पर भी सज्जा सज्जित करता है, अपना श्रृंगार करता है और विरोध
भ्रंत होकर नाना प्रकार की चेष्टा करता है। प्रियतम के सुहृदों को देखकर अनेकों प्रकार के प्रलाप करने लगता है। जल्प प्रजल्प आदि के भेद से वे 10 प्रकार के होती हैं, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अंतर्गत भ्रमर गीत में सुस्पष्ट रूप से प्रकट हुए हैं। प्रायः ये भाव श्री राधा जी में ही पूर्ण रूप से प्रकाश प्राप्त पाते हैं। रति से लेकर महाभाव पर्यंत जितने भी भाव हैं, वे सब जब उल्लसित हो जाते हैं, तब संजोग अवस्था में आह्लादिनी का सार एवं सर्वश्रेष्ठ मादन नाम का परत्पर भाव उदय होता है। इसका उदय राधा के अतिरिक्त किसने नहीं होता, किसमें भी नहीं होता है। इश्क की स्थिति विचित्र हो जाती है। भगवान का सर्वदा संजोग रहने पर भी उनके वक्ष स्थल पर नित्य विराजमान वनमाला के साथ इस अवस्था में ईर्ष्या होने लगती है और ऐसे भाव उठने लगते हैं कि री वनमाले, तू हमारा तिरस्कार करके नित्य निरंतर प्रियतम के वक्ष स्थल पर विहार करती रहती है, यह तो हम लोगों के प्रति तुम्हारा विद्वेष है। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि इस अवस्था के ईर्षादि भाव भी दिव्य ही होते हैं। इस मादन की और अनेकों दशाएं में और अनिर्वचनीय मतियां भी हैं। संजोग लीला के अधिकांश भेद इसी के अंतर्गत हैं। लीला भेद से जो भाव भेद होते हैं, उनकी कल्पना भी साधारण चित्त में नहीं आ सकती। मधुर रस में यही सब लोकोत्तर चमत्कारी भाव जो कि रसरूप हैं, विकास और पूर्णता को प्राप्त होते हैं। श्री राधा जी महाभाव स्वरूपिणी हैं। यह मधुर महाभाव रूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुर रस, उज्ज्वल रस अथवा दिव्य श्रृंगार रस के नाम में कही जाती हैं। यद्यपि इस अवस्था में प्रिया प्रियतम का वियोग किसी भी प्रकार संभव नहीं है, तथापि संजोग की परिपुष्टि के लिए वह भी होता है। इसीलिए इस रस के दो भेद हो जाते हैं, एक तो संजोग और दूसरा वियोग। वियोग की चार अवस्थाएं होते हैं, पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र और प्रवास। श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन से, स्वप्न दर्शन से अथवा चित्र दर्शन से इसकी उत्पत्ति होती है। बंदीजन, दूती, सखी और किसी गायक के मुख से श्री कृष्ण के सद्गुण, सौंदर्य आदि का श्रवण करने से भी पूर्व राग का संचार होता है। मधुर रति के उदय के प्रसंग में जो अभियोग आदि हेतु बतलाए गए हैं, वे सब इसमें ही कारण के रूप में रहते हैं। यह प्रौढ़, समंजस और साधारण भेद से तीन प्रकार का होता है। इसमें व्याधि, शंका, असूया आदि सभी संचारी भाव को उदय होता है। प्रियतम की प्राप्ति के लिए लालायित रहना, चित्त का उद्विग्न होना, नींद न आना, शरीर का दुबलापन, जड़ हो जाना, चित्त का व्यग्र होना, शारीरिक व्याधि, उन्माद, बेहोशी और मृत्यु पर्यंत तक की अवस्थाएं पूर्व राग में भी प्राप्त होते हैं। प्रियतम का स्मरण, उनकी प्राप्ति के उपाय की चिंता, उनके गुण नाम लीला आदि का कीर्तन, पत्र प्रेषण, मालार्पण आदि इसके विशेष चिन्ह हैं। मान का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है और भावों के प्रसंग में प्रेम वैचित्र का उल्लेख किया जा चुका है। मिलने के पश्चात प्रिया प्रियतम के समागम में जो व्यवधान होता है, उसे प्रवास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक तो जानबूझकर और दूसरा विवशता से अनजाने में। थोड़ी दूर और थोड़ी देर का प्रवास और बहुत दूर और बहुत दिनों के प्रवास, इसी प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रवास, दैवी कारणों से अथवा लौकिक कारणों से प्रवास,
इन सभी प्रवासों में श्री कृष्ण की ही चिंता, जागते रहने का कारण स्वप्न में भी नहीं आना, हृदय में आग जलती रहना, शरीर का सूख जाना, मैला कुचैला रहना, प्रलाप करना और हृदय में अत्यंत संताप रहना, यही सब दशाएं होती हैं। जो स्वर्ण के जलते हुए द्रव से भी अधिक तापकारी हैं, कालकुट विष से भी अधिक क्षुब्ध करने वाला है, वज्र से भी अधिक दुस्सह है, हृदय में बींधे हुए शल्य से भी अधिक तीखा है और उग्र विसूचिकाओं के समूह से भी अधिक तीव्र है, यही वही यह श्री कृष्ण के वियोग का तीव्र ज्वर मेरे मर्मस्थान को भेद रहा है। श्री राधा जी ललिता जी से अपनी व्याधि का वर्णन इस ऐसे कर रही हैं। श्री कृष्ण के वियोग में कभी हंसना कभी रोना, निष्प्रयोजन भटकना, पशु पक्षियों और लता वृक्षों से भी प्रियतम का पता पूछना और जमीन में लौटना आदि उन्माद के बहुत से लक्षण प्रकट हो जाती हैं। दुख की अधिकता से कर्तव्या कर्तव्य ज्ञान शून्य हो जाना, मर जाना और मरकर फिर जीना और फिर वही अवस्था, इस प्रकार एक क्षण के लिए भी विरह के पंजे से छुटकारा नहीं मिलता। प्रेम की सभी अवस्थाओं में वियोग की मर्मवेदिनी पीड़ा होती है और उनके अनुभव भी प्रकट होती हैं। अधिरूढ़ महाभाव में मोदन दशा का वर्णन करते हुए जो कुछ कहा गया है उसे यह स्मरण होना कि होना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि वह तो बहुत कम है। विरह की वेदना कोई विरही ही जान सकता है, सो भी यदि उसी श्रेणी का हो। प्रकट लीला के अनुसार विरह की परिपूर्णता ब्रज देवियों में ही देखी जाती है। अंतर लीला में तो उनका एक रस विहार सदा सर्वदा चलता ही रहता है। भगवान का संजोग सुख अवर्णनीय है, वास्तव में मधुर रस की यही चरम परिणति है। प्रणय परिणय की यहाँ मधुयामिनी है, रति का नाम यही आकर सार्थक हो जा रहे हैं। वैसे तो सभी रस हैं, परंतु यह रसराज की भी सरस अवस्था है। यह दिव्य उज्ज्वल श्रृंगार श्रीमद् भागवत के रास प्रसंग में जैसा अभिव्यक्त हुआ है वैसा और कहीं नहीं। यह स्वप्न और जागृत के भेद से दो प्रकार का होता है। स्वप्न का संजोग अत्यंत गौण है, फिर भी भगवान के साथ मानस संजोग होने के कारण उसकी रसरूपताओं में कोई बाधा नहीं पड़ती। जागरण में जितने प्रकार के संजोग और उसकी लीलाएं भी हो सकता है, उनसे भी अधिक स्वप्न में संभव है। प्रेमियों का स्वप्न साधारण स्वप्न नहीं है, मूढ़ पुरुषों के जागरण और योगियों के समाधि से भी उसका ऊंचा स्थान है। प्रेमियों का दिव्य मन समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से ऊपर उठा हुआ दिव्य होता है। अंतःकरण के साधारण विकार स्वप्न का उस प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं है, इसीलिए प्रेमियों का भगवत संजोग रूप दिव्य स्वप्न भी अलौकिक ही होता है। जागृत अवस्था में चार प्रकार के संजोग होते हैं, संक्षिप्त संकीर्ण संपन्न और समृद्धिमान। ब्रज देवियों के जीवन में ये सभी अपने अवंतर भेदों सहित अनुभव के विषय होते हैं, उनका वर्णन लेख विस्तारों से नहीं किया जा सकता है। संजोग की लीला में प्रियतम का दर्शन, उनके साथ वार्तालाप, उनका स्पर्श, उनके साथ वृंदावन के निकुंजों में रहस्य क्रीड़ा, जल विहार, रास लीला, नौका लीला, वेश परिवर्तन, कपट शयन, वंशी चोर्च, मार्ग रोधन आदि अनेकों लीलाएं होती हैं, जिनका अनुभव कोई गोपी भावापन्न सरस हृदय प्रेमी ही कर सकता है। भगवान के लीला प्रतिपादक ग्रंथों में इन लीलाओं का अत्यंत हृदय स्पर्शी भाषा में वर्णन हुआ है।
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय